लास्ट फ्राइडे मार्केट साइडवेज रहा बैंक निफ्टी ओपन डेट फोर्टी लो लगाया था फोर्टी मेड अ हाई ऑफ फोर्टी एंड क्लोजिंग दी है फोर्टी थ्री फॉर द निफ्टी इट ओपन डेट लो लगाया है नाइनटीन हाई लगाया है नाइनटीन एंड क्लोज डेट हे ट्रीडर्स वेलकम बैक टू तो द 90 परसेंट चैनल अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी ऑफ आवर मार्केट अपडेट्स तो चलिए देखते हैं मार्केट कल कहाँ मूव कर सकता है और हम कहाँ ट्रेड प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी वीकली चार्ट पे कंटिन्यूस फोर वीक से गिर रहा है और ब्रेकआउट लेवल के आसपास आ गया है कमिंग वीक में होल्ड कैंडल या फिर पुलबैक कैंडल बना सकता है डेली चार्ट पे सपोर्ट को होल्ड कर रहा है और डब्लू पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो चलिए देखते हैं हम कहाँ ट्रेड ले सकते हैं दो दिन से कंटिन्यूस रेंज में ट्रेड कर रहा है इधर साइड ऑफ ब्रेकआउट कैन बी मोमेंटम अगर यहाँ ओपन होने के बाद ये लेवल को क्रॉस करता है तो 44,200 तक आ सकता है लेकिन कंटिन्यूस ये लेवल के आसपास आ रहा है तो अगर ये लेवल को ब्रेक करता है तो 43,500 तक आ सकता है कल का दिन ट्रेंडिंग रह सकता है चलिए निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं सेम लाइक द बैंक निफ्टी ये भी कंटिन्यूस फोर वीक से बेरिश कैंडल बना रहा है निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक लग रहा है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी डेली चार्ट में डोजी कैंडल बना ही है एट द सपोर्ट लेवल तो चलिए देखते हैं हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल था एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी अगर यहाँ कहीं ओपन हुआ तो साइडवेज हो सकता है ये लेवल्स के बीच में अगर ये लेवल के ऊपर निकलता है तो हम कम क्वॉंटिटी में बाई कर सकते हैं टिल नाइनटीन फ्लैट ओपन होने के बाद ये लेवल को क्रॉस करता है तो शार्प सेलिंग आ सकती है यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है तो यहाँ तक आ सकता है ऑल राइट टू दैट रैप अप आवर डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव इट अ थम्स अप सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन Happy trading!